तो आज हम जानेंगे सोल्डरिंग रिपेयरिंग के बारे में। ठीक है, सोल्डरिंग रिपेयरिंग कैसे करते हैं? तो ये है मेरा सोल्डरिंग आयरन जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इसका कॉयल जल चुका है तो इसे रिपेयरिंग करना तो पड़ेगा। तो पहले हम लोगों को इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रू है, आप देख सकते हैं, स्क्रू को अनस्क्रू कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगा और साथ में जो पड़ेगा वो है पेस्ट और एक आयरन का जो कोर है वो। ठीक है, जो एलिमेंट है कॉयल है, कॉयल एलिमेंट कोर हम जो भी बोल सकते हैं वो चाहिए होगा। ये बाज़ार में मिल ही जाता है, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, 10 रुपये होता है। चलिए, तो हमने निकाल लिया नया वाला कॉइल को या फिर एलिमेंट को, आप देख सकते हैं एकदम नया एलिमेंट है। इसके अंदर नाइक्रोम वायर रहता है जिसके कारण हीट जेनरेट होता है। तो ये बीट जो है उसका वो दोनों के मिडिल में रहेगा। ठीक है, तो हम खोल ही लेते हैं इसे। तो हम अनस्क्रू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हम लोग अनस्क्रू कर चुके हैं। अब इसे इजीली निकल गया। और ए वाला एरा बीट बीट निकल गया। बीट जो है ना वो कॉपर का बना हुआ रहता है, पूरा पूरी कॉपर का बना हुआ रहता है। और मिल का जो वॉशर जैसा पोर्शन दिख रहा है वो आयरन का बना हुआ रहता है, पर एक्चुअली वो पूरा बीट ही कॉपर का ही बना होता है। तो ए यार, आप पीछे वाला कैप निकाल दिया, आप वायर देख सकते हैं, आप वायर को भी निकल देना पड़ेगा। वायर वहाँ पे सोल्डरिंग किया नहीं जाता है, बस ज्वाइन कर दिया जाता है। तो हम वायर को भी निकाल लेंगे। चलिए, वायर को निकाल लिया, आप देख सकते हैं वायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये खांच है, खांच के अंदर से घुसा हुआ है। तो हमने वो निकाल लिया वायर को, जो एलिमेंट का वायर था उसे निकाल लिया हाथ से या फिर नॉच से, आप जो भी कह सकते हैं, जो भी कहे वो सही होगा। और अब मैं एलिमेंट को यहाँ से निकाल लेता हूँ। कुछ परेशानी आ रहा था, एक्चुअली जम गया था वहाँ पे, तो मैंने अब निकाल लिया, थोड़ा बहुत पेशा देने के बाद निकाल ही गया आखिर। तो अब इसको यहाँ से जो बीच में से है वहाँ से गुजरने से वो निकल जाएगा पूरा पूरी। तो हम देखते हैं। तो एलिमेंट पूरा पूरी बाहर आ गया, ये रहा हम लोग का पुराना वाला एलिमेंट और यहाँ पे है नया वाला एलिमेंट। ठीक है, ये नया वाला है और पुराना वाला है। तो हमने पेस्ट तो लगा लिया, पेस्ट तो लगाना इजी है, वो दिखाना भी नहीं पड़ता है किसी को, कोई भी बच्चा भी लगा देगा। और अब आप देख रहे हैं वहाँ पे ना एक्स्ट्रा वायर था, तो एक्स्ट्रा वायर को हमने काट कर दिया। मतलब जो एलिमेंट नया वाला एलिमेंट खरीदा है उसके साथ बहुत ज़्यादा बड़ा वायर रहता है, तो हमने काट कर लिया। काट करने के बाद अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमने रख दिया है। तो अब हमने जो था वो जैसे था वैसे ही फिर से लगा लिया। अब उसके साथ वायर को कनेक्ट कर देना है। मिडिल में हमने एक इंसुलेशन डाला है। तो अब ये वर्क करने के लिए ओके हो गया है। थैंक यू।